हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का शिव मैथ्स क्लास के एक और वीडियो में, जहां हम बात करते हैं क्लास टेंथ के मैथ्स। आज हम बात करें एक्सरसाइज 3.5 सेकंड का वन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ए और बी के किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है और इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इक्वेशन ए इसका रेशियो लिखें ए वन बाई ए टू, तो हमारा तीनों इक्वल होना चाहिए। मतलब देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, यही ना होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, यही हमारा होता है जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो इसी तरह का आए ऐसे फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ए वन बी वन सी वन लिखेंगे कौन कौन सा है। तो देखिए हम लिखते हैं ए वन इज इक्वल टू हमारा टू हो जाएगा, ठीक है, बी वन हो जाएगा थ्री और सी वन जो है वो हो जाएगा सेवन। अब इसी तरह से ए टू बी टू सी टू लिखेंगे, ए टू हो जाएगा ए माइनस बी और बी टू हो जाएगा ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी, और जो सी टू है वो हो जाएगा थ्री ए प्लस बी माइनस टू। ये हम लिख लिए, हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रेशियो लिख लिए ए वन बाई ए टू, मतलब टू बाई ए माइनस बी, ये ए वन बाई ए टू हो गया। अब देखिए बी वन बाई बी टू, ये हो गया थ्री बाई ए प्लस बी एंड लास्ट हो गया सी वन बाई सी टू, ये हो जाएगा आपका सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू। ये फाइंड हो गया ए वन बी ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू एंड सी वन बाई सी टू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को दिया है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होना चाहिए, आप इस तरीके से फाइंड करिए। तो ये होता है हमारा कंडीशन। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये पहले से ही ऐसा है, ठीक है, लेट हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये हम लोग मान लिए। अब इसी पर इन सब वैल्यू पुट कर देंगे, ए वन बाई टू की जगह पर ये, बी वन बाई बी टू की जगह पर ये और सी वन बाई सी टू की जगह पर ये वाला। चलिए पुट करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा टू बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री बाई ए प्लस बी और लास्ट हमारा सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ये हो जाएगा। अब एक बार में हम लोग इन दोनों को इक्वल करके फाइंड करेंगे और सेकेंड बार में इन दोनों को इक्वल करके फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों फिर ये दोनों। तो पहले ये दोनों को हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए कैसे होगा। टू बाई ए माइनस बी इक्वल टू थ्री बाई ए प्लस बी, ये दोनों हम इक्वल कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देखिए आप टू इंटू ए माइन ए प्लस बी और थ्री इंटू ए माइनस बी, टू इंटू ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू थ्री इंटू ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए प्लस टू बी इक्वल टू थ्री ए माइनस थ्री बी, ये हो जाएगा। अब देखिए टू ए और ये इधर आके माइनस थ्री ए इक्वल टू माइनस थ्री बी और ये हो जाएगा माइनस टू बी। अब यहाँ पर जगह नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब देखिए इधर बच रहा था हमारा माइनस ए और इधर माइनस फाइव बी, अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया फाइव बी, ये हो गया ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू फाइव बी। अब देखिए ए का वैल्यू आ गया हमारा। अब चलते हैं जो दूसरा इक्वेशन था, अब देखिए दूसरा वाला जो था हमारा वो था थ्री बाई ए प्लस बी इक्वल टू सेवन बाई थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ये वाला था हमारा सेकंड में। तब थ्री से इसको मल्टीप्लाई करिए और सेवन को इससे करिए, तो हम करते हैं यहाँ पर सेवन इंटू ये वाला, सेवन इंटू ये वाला ए प्लस बी, ठीक है, सेवन इंटू ए प्लस बी इच इक्वल टू थ्री इंटू थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ये हमारा हो गया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, सेवन ए प्लस सेवन बी इज इक्वल टू नाइन ए
थ्री इंटू बी हो जाएगा 3b, एंड जो 3 × -2 है वो हो जाएगा -6, 7a, 9a को इधर लेंगे तो -9a, और देखिए प्लस 7b, ये आगे -3b, और ये वैसे ही रहेगा -6। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा -2a, ये इसका सब्ट्रैक्ट कीजिएगा प्लस 4a इज इक्वल टू -6, ठीक है, ऐसा हमारा आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिए तो -a + 2a, b है, 4b है, यहाँ भी b हो जाएगा इज इक्वल टू -6। अब देखिए -a + 2b इज इक्वल टू -6/2, मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 2 × 3 = 6, बचा हमारा 3। अब हम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अब देखिए -a + 2b इज इक्वल टू -3, ये हमारा आ रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ से भी a का वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो यहाँ हमारा a का वैल्यू आया था इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए 2b, ये -3 इधर रखे हो जाएगा +3, और a को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो a का यहाँ जो वैल्यू आ गया वो हो गया 2b + 3, और ऊपर आया था 5b, ठीक है। तो जो यहाँ पर a है यहाँ पर हम लोग 5b पुट कर देंगे, ठीक है। इस देखिए हमारा a का वैल्यू यहाँ मिला है 5b, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी आ रहा है a = 2b + 3, तो इस a के जगह हम लोग 5b पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5b पुट करेंगे इज इक्वल टू 2b + 3, 5b ये इधर आके -2b इज इक्वल टू 3, अब हो गया 3b इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू आ गया 3/3, तो b का वैल्यू हो गया 1। यहाँ से हम लोग b का वैल्यू मिल गया। अब सिंपली इस b के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमको a का वैल्यू भी मिल जाएगा। चलिए हम पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 5b है और b का वैल्यू आया है 1, b का वैल्यू 1 आया है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 5b, और b का वैल्यू हमारा क्या था, 1, b का वैल्यू 1 था, तो a इज इक्वल टू 5 × 1, ये हो गया। तो a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू हमारा आ गया 1, इन ये दोनों हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम बोल देंगे हेंस a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका कुछ भी वीडियो के रिलेटेड डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, या टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।